हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर क्लास फ्रेंड्स आज की जो क्लास है क्लास फाइव के कंप्यूटर की क्लास है चैप्टर टू हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है वेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें हमने पढ़ा था वॉट इज सॉफ्टवेयर प्रीवियस जो लेक्चर दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा तभी आप इस लेक्चर से कनेक्ट हो पाएंगे ठीक है और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है वो रिवीजन करने जा रहे हैं ठीक है व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर ये देखा था हमने टाइप्स ऑफ सॉफ़्टवेयर सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ़्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था ठीक है आज हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पहले इमेज आप लोग देख लीजिए सी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मैं इमेज से पहले समझा देती हूँ फिर डिटेल में देखेंगे ठीक है आप यहाँ पे कोई भी फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए सबसे पहले देखिए क्या है पहले कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ उसके बाद इसे एडिट किए एडिट करने के बाद इसे हम सेव करेंगे ठीक है सेव करने के बाद इसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया कोई लेटर टाइप करना हो गया ठीक है उसे पहले हम क्या करेंगे टाइप करेंगे फिर एडिट करेंगे यानी उसमें जो भी चेंजेस करने हैं पेज सेटअप करना है वो करेंगे उसके बाद उसे सेव कर देंगे उसके बाद अगर प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ठीक है डायग्राम से शॉर्ट में आपको समझ में आ गया आइए देखते हैं इसमें क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नाम से ही पता चल रहा है अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट क्विकली वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? करता है इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट तुरंत तैयार करने में हेल्प करता है यानी आप इस सॉफ्टवेयर से एक इम्प्रेसिव अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी बना सकते हैं ठीक है इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज लेटर स्टोरीज रिपोर्ट एटसेट्रा यू इट इज़ यूज ये इसका यूज किया जाता है क्या क्रिएट करने में टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में जैसे लेटर्स स्टोरीज रिपोर्ट्स कोई रिपोर्ट टाइप करना है कोई स्टोरीज लिखनी है कोई लेटर टाइप करना है एट्सेट्रा ठीक है यानी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इससे प्रिपेयर होता है वन कैन इजली मर्ज एड डिलीट रीअरेंज और ब्यूटिफाई द टेक्स्ट इन रिक्वायर्ड मैनर आप इसमें आसानी से मर्ज कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई ग्राफिक ऐड करना चाहते हैं कुछ भी ऐड करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है रीअरेंज कर सकते हैं और उसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं यानी उसे एडिट कर सकते हैं आप उसको कलरफुल बना सकते हैं ठीक है थीके? जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो एम एस वर्ड वर्ड परफेक्ट एंड राइटर ये एग्ज़ाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का ठीक है यम एस वर्ड वर्ड परफेक्ट राइटर ये तीन एग्ज़ाम्पल है सॉफ्टवेयर का वर्ड प्रोसेसिंग ठीक है और भी सॉफ्टवेयर है फिलहाल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यही दिया है ठीक है आगे देखते हैं स्प्रेड सिट सॉफ्टवेयर इसका पिक्चर देख लीजिए आप लोग पिक्चर में शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर जैसे इसमें कोई चार्ट बनाना है आपका टाइम टेबल बनाना है या आपकी मार्कशीट बनानी है ठीक है ये सारा काम इसमें होता है प्लस माइनस कैलकुलेशन ये सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं चलिए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू परफॉर्म कैलकुलेशन मेंटेन टेबल एनालिसिस डेटा एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रिक्वायर मैनर मैनर ठीक है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं टेबल बना सकते हैं ठीक है डेटा एनालिसिस किया जा सकता है जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है मार्केट में वो कहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है कंट्री वाइज स्टेट वाइज ठीक है या अभी फिलहाल कोरोना वायरस का वो चल रहा है कहाँ पे कितने कोरोना मरीज हैं ये डेटा एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं ठीक है एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रिक्वायरमेंट मैनर इसका मतलब क्या है आप कोई चार्ट या टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस मैनर में आप बना सकते हैं उस तरीके से और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं ठीक है इट हैज़ अ फैसिलिटी ऑफ यूजिंग फॉर्मूलास फॉर सम्स मिनिमम मैक्सिमम एवरेज स्क्वायर रूट्स एट्सेट्रा आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं इसमें ठीक है सम हो गया मिनिमम हो गया मैक्सिमम हो गया एवरेज हो गया स्क्वायर रूट हो गया परसेंटेज हो गया ये सारा जो फॉर्मूला है आप इसमें यूज कर सकते हैं ठीक है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आल्सो हैज़ फीचर्स टू इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट सच एज बाई यूजिंग डाइग्राम्स डिस्प्लेइंग द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट यूजिंग टेबुलर फॉर्म एट्सेट्रा इसको शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं इसमें फीचर होता है आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में भी फीचर होता है कि आप डॉक्यूमेंट में डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं चार्ट के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो ठीक है इट इज़ वेरी मच प्रीफर्ड फॉर डूइंग अकाउंट्स वर्क ये अकाउंट वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अकाउंट वर्क के लिए ठीक है एम एस एंड लोटस वन टू थ्री कल ये क्या है एग्ज़ाम्पल है स्प्रिट सिट सॉफ्टवेयर का ठीक है क्या है सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल एम एस जिसका यूज़ आप लोगों ने किया होगा इसे याद रखिएगा ठीक है एम एस एक्सएल लोटस वन टू थ्री कल ये एग्ज़ाम्पल है स्प्रिट सिट सॉफ्टवेयर का ठीक है नेक्स्ट देखते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, है ना डेली यूज कर रहे हैं आप लोग मल्टीमीडिया का चलिए फिर भी डिटेल देखते हैं इसका दीज आर यूज टू क्रिएट एनिमेशन साउंड वीडियो ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट विथ अ लार्ज एरिया ऑफ इंट्रैक्शन आप इससे एनिमेशन बना सकते हैं साउंड कोई भी वीडियो है उसमें साउंड डाल सकते हैं आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं ग्राफिक पिक्चर से कोई वीडियो बना सकते हैं ठीक है थीके? आप इसमें कई सारा टास्क कर सकते हैं जैसे वीडियो बनाना हो गया साउंड हो गया ग्राफिक हो गया पिक्चर हो गया एनिमेशन हो गया जो आप चाहें ठीक है विंडोज़ मीडिया प्लेयर मूवी मेकर एंड माइक्रो मीडिया फ्लैश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर ठीक है विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो कि आप लोग यूज़ करते हो ठीक है मीडिया प्लेयर मूवी मेकर माइक्रो मीडिया फ्लैश ये सब क्या है मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पिक्स भी दिया हुआ है ये है आपके ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ठीक है आइए देखते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं सॉरी सॉफ्टवेयर हेल्प यू टू क्रिएट इमेजेस लाइक ग्राफ्स चार्ट्स लोगोस फोटोग्राफ्स कार्टून एटसेट्रा ग्राफिक्स इसमें आप आर्ट कर सकते हैं इमेज बना सकते हैं कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं जैसे ग्राफ हो गया कोई चार्ट हो गया कोई लोगो हो गया ठीक है किसी कंपनी का लोगो होता है ना वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर से ही बनता है ठीक है फोटोग्राफ्स हो गया कार्टून हो गया एटसेट्रा आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल में क्या है ग्राफ हो गया चार्ट लोगोस फोटोग्राफ कार्टून एटसेट्रा एडो फोटोशॉप एम एस पेन टक्स पेन ऑट कैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये कुछ एग्जाम्पल है एडो फोटोसॉप्ट एम एस पेंट तो बच्चों आप लोग का फेवरेट है इसमें आप ढेर सारी ड्राॅइंग करते हैं ठीक है एमएसपेंट आपका क्या है ग्राफिक सॉफ्टवेयर है ये ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है ये कुछ एग्जाम्पल है जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा इस लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक परपज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड और दो तीन सॉफ्टवेयर के बारे में हम प्री नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप डेली मैं यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट आपका क्लियर कंप्लीट कराने वाली हूँ कंप्यूटर हो गया साइंस हो गया ठीक है प्लेलिस्ट बना हुआ है आप जाके प्लेलिस्ट में क्लास फाइव की प्लेलिस्ट में आप तो अपने सारे लेक्चर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बी हैप्पी स्टे हेल्दी एंड हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय हैव अ गुड डे